Hello everyone, have a nice day. I hope you all are doing great. Today we are going to start the first chapter of class 7, computer and its parts. So let's start the class. First chapter is computer and its part. This chapter covers computer system, software and hardware. What is computer system? The computer is an electronic machine which help you to process data. Computer एक electronic machine है जो हमारी data को process करने में help करती है. It is used to solve problems related to almost every field such as education, medicine, science. Computer हमारी सभी field में problems को solve करने में help करता है. Like education में, medicine में, science में, सभी field में हमारा computer use होता है. Home, publishing, etc. also. A computer system has different parts. Computer system के different parts होते हैं that together make it work. जो कि साथ में मिलके work करते हैं. These parts are, ये parts होते हैं hardware and software. First part is hardware. What is hardware? The hardware represent to all the physical units, means devices of a computer system. These units can be seen or touched. Hardwares को हम देख सकते हैं और उसे touch कर सकते हैं. A computer hardware has following unit. First is input devices, output devices, processing devices and storage devices. Computer hardwares में जो हमारी सारी devices होती हैं वो आती हैं input, output, processing and storage. First is input devices. Everyone know what is input devices. Input devices are used to feed data into the computer. इनपुट डिवाइसेस डाटा को फीड करने के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर में. सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, स्कैनर, बारकोड रीडर एक्सेट्रा. द प्राइम फंक्शन ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डाटा फ्रॉम द यूज़र इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. ये कंप्यूटर सिस्टम में यूज़र से डाटा को एक्सेप्ट करता है, मींस लेता है. एक्सेप्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से इंस्ट्रक्शन लेता है. एक्सेप्टेंस ऑफ कमांड्स फ्रॉम द यूज़र टू रन और अबॉर्ट द प्रोग्राम. यूज़र जो भी कमांड देता है उसके अकॉर्डिंग ये रन करता है, मींस वर्क करता है. नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस अनेबल द कंप्यूटर टू शो यू द डिजायर्ड रिजल्ट एंड इन्फॉर्मेशन. Some examples of output devices are monitor, printer, plotter, speakers, etc. Output devices, everyone know what is output devices. Output devices वो होती हैं जो हमारी information जो होती है वो show करती हैं. जैसे कि monitor पे अगर हम कोई भी data feed करते हैं जो हमें monitor पे दिखाई देता है. अगर हमें किस कुछ भी copy करना था तो हम उसे printer के through copy करते हैं. अगर हमें कुछ भी audio सुननी होती है तो हम वो speaker के through audio को सुन सकते हैं. तो ये सारी हमारी होती हैं आउटपुट डिवाइसेस. द बेसिक फंक्शंस ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज ट्रांसमिटिंग द इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड फाइनल रिजल्ट. कन्वेइंग द मैसेज टू द ऑपरेटर्स को मैसेज कन्वे करता है. शोइंग और डिस्प्लेइंग रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी. जो हमारा रिजल्ट होता है वो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में शो करता है. दीज आर some output devices, monitors, speakers, plotter and printer. Next one is processing device. The central processing unit CPU is the brain of computer. CPU computer ka brain hota hai. It performs all the required calculation and processes data and information. It controls all input and output devices. Ye sari इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है. द CPU कंसिस्ट ऑफ थ्री यूनिट्स. CPU की थ्री यूनिट्स होती हैं ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट. बेसिक फंक्शन ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर फॉलोज. परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. इसमें हम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. मेंटेनिंग ऑर्डर एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर की जो एक्टिविटीज होती हैं और ऑर्डर्स उन्हें मेंटेन कर सकता है. डायरेक्टिंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड फ्लो ऑफ डाटा. इंटरप्रेटिंग इंस्ट्रक्शन एंड गिविंग कमांड्स. कम्युनिकेट विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ डाटा.
नेक्स्ट आर स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेज अनेबल यू टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। द स्टोरेज डिवाइसेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइसेज में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम उसमें सेव कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेज कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर स्टोरेज के नाम से भी जानी जाती है। कंप्यूटर स्टोरेज हमारी टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी स्टोरेज, सेकंड इज सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में हमारी रैम RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ROM रोम रीड ओनली मेमोरी आती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज होती है हमारी हार्ड डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क पेन ड्राइव फ्लॉपी डिस्क। दीज डिवाइसेज ऑल आर सेकेंडरी स्टोरेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज इंक्लूड ऑफ रैम रोम एंड कैच मेमोरी। कैच मेमोरी मीन्स जो हमारा जो भी हम कंप्यूटर में फाइल खोलते हैं वो सारी हमारी कैच मेमोरी में आती हैं। फंक्शंस ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज आर एज फॉलो। फर्स्ट इज होल्डिंग एन इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शन अंटिल CPU इज रेडी फॉर प्रोसेसिंग। होल्डिंग द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। द साइज ऑफ प्राइमरी स्टोरेज अफेक्ट स्पीड एंड एक्वेरी ऑफ अ प्रोग्राम। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर सेट थ्रू प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज कंसिस्ट ऑफ हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क CD-ROM DVD USB फ्लैश ड्राइव जिप डिस्क एक्सेट्रा। फंक्शन ऑफ सेकेंडरी डिवाइस आर एज फॉलोज। होल्डिंग बैकअप डाटा ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा एंड स्टोरिंग डाटा इन बल्क। दीज आर हार्डवेयर्स जिसमें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। मीन्स इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज प्रोसेसिंग डिवाइसेज एंड स्टोरेज डिवाइसेज। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के बारे में